तुम इनकी बातों का ना बुरा नहीं मान। भाभी बहुत पहले भी ना इन्होंने मुझे बहुत जोर से डांटा था और मैं खूब रोई थी। उस वक्त बीबी आंटी ने मुझे कहा था कि तुम मेरी बेटी हो, मेरे लिए सह लो, वरना मैंने तो सोच लिया था कि इस घर में वापस नहीं आना। मैंने अम्मी भी तुम्हें ना बहुत चाहती हैं। जमाल भाई और नसीर भाई की शादी पे भी उन्होंने मेरे कपड़े बनाए थे। अच्छा भाभी खत्म करें इसे। अरे नहीं उससे नहीं खाया जाएगा, अभी तो सूप पिया है। बस मैं चाहती हूँ जल्दी से ठीक हो जाऊं, वरना तो अजरा भाभी मुझे ताने दे देकर ही मार देंगी। वलीद गया है मेरी दवाई लाने, वो खा कर ना सो जाऊंगी। आज तो उस वलीद के बच्चे की खैर नहीं, जरा वापस तो है अंकल से शिकायत लगाती हूँ मैं उसकी। क्यों क्या हुआ, क्या किया उसने? मैं छत पे पड़ रही थी तो मुझे छुपके कंकरनिया मार रहा है। जब मैंने उसे पकड़ा तो मुझे कहता शैतान को कंकरनिया मारना सवाब का काम है। हाँ हाँ भाभी आप भी हंस ले, जब वो आएगा ना फिर पता चलेगा। सॉरी नहीं कहा, बोला था लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने उसे बोला कि सो उठक बैठक करो, फिर अकड़ दिखा रहा था। अब देखते हैं अंकल के सामने कैसी अकड़ दिखाता है। अब्बू का गुस्सा तो तुम जानती हो, तो तुम अम्मी से उसकी शिकायत लगा दो ना, वो उसके कान खींचेंगी। नहीं नहीं भाभी, इस बार तो मैं शिकायत अंकल के पास ही लेके जाऊंगी और उसको कहेगा जब वो वापस आए ना कि मेरी बात मजाक में ना ले। ठीक है। अच्छा अचार लाके दूं? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस पानी। ये तुम किचन में ले जाओ, वलीद मेरी दवाई लाए तो मैं सोऊं। अच्छा ठीक है।